आज हर व्यक्ति बेईमान है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो बेईमानी जो करता है ना, वो खुद से करता है। आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट होकर आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप बेहतर प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं तो आप 100% नहीं दे रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप उसमें 100% नहीं दे रहे हैं। यानी हर व्यक्ति बेईमान है, लेकिन प्रॉब्लम यही है हमारी कि हम बेईमानी कर किसके साथ रहे हैं। हम बेईमानी कर रहे हैं खुद के साथ। तो आज हर व्यक्ति परेशान है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको इन परेशानियों से दूर रहना है तो आप अपने काम में 100% दीजिए, अपने प्रति ईमानदार रहिए। आप जो काम कर रहे हैं, मान के चलिए किसी से बात कर रहे हैं, तो उसका उस समय उसका उसके साथ वार्तालाप में ध्यान रखिए। आप कोई अदर काम कर रहे हैं तो आप अदर काम में अपना 100% लगाइए। यानी हमको ये बेईमानी की आदत छोड़नी होगी। हम शरीर को ध्यान नहीं रख रहे हैं, हम उल्टा सीधा खा रहे हैं। हम एजुकेशन में जब स्टूडेंट लाइफ में हैं तो हम स्टूडेंट लाइफ को नहीं जी रहे हैं, हम किताबों से दूर भाग रहे हैं। हम मोबाइल में, हम वीडियोज़ में, हम एंटरटेन में अपने आप को लिप्त किए हुए हैं। तो मैं हर समाज के हर व्यक्ति से, स्टूडेंट से, सभी से मैं कहूँगा, अगर आपको जीवन सही मायने में सार्थकता के साथ जीना है तो आपको केवल एक काम करना होगा, आप ईमानदार बनिए। और किसी को दिखावे के लिए नहीं, आपको ईमानदार बनना होगा खुद के लिए। आप ये सोचें कि क्या आपने आज जो काम किया वो पूरे ईमानदारी से किया? आपने आज जो जीवन जिया क्या उसमें हर जगह आप ईमानदार रहे? जो काम आपको सौंपा गया था, जिस स्टूडेंट लाइफ में आप जाकर आप तैयारी कर रहे हैं, जिस टॉपिक को आपको पढ़ना है, आप उसके प्रति ईमानदार रहे? आपने ईमानदारी के साथ चीज़ें की? अगर आपने ईमानदारी के साथ चीज़ें की होंगी, अपनी लाइफ स्टाइल में इस ईमानदारी को लाए होंगे, आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहे होंगे, आप अपने काम के प्रति समर्पित रहे होंगे, तो मैं आपसे कहता हूँ कि आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और देखिए, केवल तरक्की का नाम भौतिक साधनों को जुटा लेना तरक्की नहीं होता है। आप मानसिक कितना स्तर हैं, आप कितने मानसिक बेहतर हैं, आप कितना सुकून से ज़िंदगी जी रहे हैं, आप कितना आनंद के साथ अपने परिवार में रह रहे हैं, आप कितना बेहतर कर पा रहे हैं, आप अपने आसपास के लोगों के साथ कितने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, उनको कितने बेहतर तरीके से आप समाहित कर रहे हैं, उनके काम के प्रति मोटिवेशन कर रहे हैं, उनको बेहतर कर रहे हैं, ये आपको सीखना होगा। ये ईमानदारी आपको दिखानी होगी। बस अगर आपको बेहतर जीना है तो आपको खुद में ईमानदार होना होगा। आप ईमानदार, अब कहते हैं कि बड़ा कठिन होता है यार ईमानदार बनना, नहीं, मैं कहता हूँ ईमानदार होना कोई कठिन नहीं। आप अगर मान के चलिए एक पर्टिकुलर, मैं स्टूडेंट लाइफ को ले लूँ, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप दूसरे को दिखाने के लिए, टेस्ट आने पर आप क्यों पढ़ते हैं? एग्ज़ाम्स हैं आपके नज़दीक, आप बहुत पढ़ रहे हैं, 10-20-12 घंटा आप पढ़ रहे हैं, ना सो रहे हैं, ना खा रहे हैं, ना कोई लाइफ स्टाइल उस समय रही। मैं कहता हूँ आप सतत अभ्यास के साथ ईमानदारी से अपनी नॉलेज के लिए, अपने आप के लिए पढ़िए, आप गेन करने के लिए पढ़िए, और तब देखिए उसको जो आप रिजल्ट में कन्वर्ट करेंगे तब आप बेहतर करेंगे। यानी ज़िंदगी छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करने का नाम ज़िंदगी होता है। आप लाइफ स्टाइल को बेहतर कर रहे हैं तो आपको अपने प्रति ईमानदारी दिखानी होगी, समाज के प्रति ईमानदारी दिखानी होगी, अपने काम के प्रति ईमानदारी दिखानी होगी, तभी आप बेहतर कर सकेंगे, ज़िंदगी बेहतर जी सकेंगे। तो चलिए आज से शुरुआत करते हैं ईमानदार होने की। किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए ईमानदार बनिए, बेहतर बनिए। थैंक यू।